सरकार की उपलब्धियों की फिल्म सिनेमाघरों में दिखाने के फैसले पर विफरे शिवसेना मुखपत्र, सामना में पीएम मोदी पर साधा निशाना। गिव अप सब्सिडी योजना के तहत एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ने वाले लोगों की गिनती में पहले नंबर पर महाराष्ट्र। सूबे में पीएम की अपील पर 16 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ी अपनी सब्सिडी। एक हफ्ता अस्पताल में बिताने के बाद आर्थर रोड जेल वापस पहुंचे छगन भुजबल। पिछले सोमवार दांत में दर्द की शिकायत के बाद सेंट जॉर्ज अस्पताल में कराया गया था भर्ती। बीएमसी के रोड इंक्वायरी पैनल ने सड़क बनाने वाले 6 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर एफआईआर दर्ज करने की दी सलाह। शहर की 34 सड़क योजनाओं में पाई गई 53% खामियां। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कचरा निपटाने का एक्शन प्लान जमा करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल्याण डोंबिवली में दी नए निर्माण को मंजूरी। पिछले एक साल से लगा था बैन। लोकल ट्रेन से गिरने के बाद 2 युवकों की मौत। सेंट्रल लाइन में सफर करने वाले दोनों मृतक भीड़ की वजह से गिरे, नहीं हो पाई दोनों की पहचान। 2006 मालेगांव धमाके के सभी आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी। मुंबई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में 8 आरोपियों को किया बरी। मालेगांव में हमीदिया मस्जिद के पास एक मुस्लिम कब्रिस्तान के बाहर हुए सीरियल धमाकों में 29 लोगों की हुई थी मौत, 100 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। मुंबई में डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर लगाई फटकार, कहा रेगुलेशन पर प्रतिबंध में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करना होगा पालन। मराठी वोट बैंक को लुभाने के लिए महाराष्ट्र दिवस की जमकर हो रही है तैयारी। शक्ति प्रदर्शन के साथ शिवसेना को चुनौती देगी बीजेपी। नागपुर के पुनर्वास केंद्र से 21 बच्चे भागे, 10 बच्चों को तलाशा गया, 11 की खोज जारी। पुनर्वास केंद्र में अव्यवस्था से नाराज थे बच्चे। पुणे में व्हाट्सएप ग्रुप का डीपी बदलने पर 3 छात्रों पर हमला, एक को आईसीयू में भर्ती किया गया, 22 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज, 5 हुए गिरफ्तार। प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में राहुल राज सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत। कोर्ट ने कहा गवाहों के बयान से दोनों के बीच विवाद का खुलासा, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं। हाईकोर्ट ने राहुल को हफ्ते में 2 से 3 बार केस की जांच कर रहे बंगूर रेलवे स्टेशन हाजिरी होने का दिया निर्देश। सूत्रों के मुताबिक जजों ने चेंबर में प्रत्युषा और राहुल की बातचीत के आखिरी बातचीत को भी सुना, जिसमें राहुल बार बार प्रत्युषा को समझाने की कोशिश करता सुना गया। मौली में मिली जीत से मुंबई इंडियंस को मिला ऑक्सीजन, पंजाब को 25 रनों से दी मात। पहले खेलकर मुंबई ने बनाए थे 189 रन, जवाब में 164 ही बना पाई पंजाब की टीम। मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो बने पार्थिव पटेल, 58 गेंदों पर 81 रनों की खेली शानदार पारी। रायडू ने भी बनाए शानदार 65 रन, बिना खाता खोले आउट हुए थे रोहित शर्मा। आईपीएल में आज पुणे और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा मुकाबला, रात 8 बजे हैदराबाद में होगा मैच। मुंबई में आईपीएल मैचों के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, सूखे के संकट से चलते हाईकोर्ट ने लगाया था मैच पर प्रतिबंध। एशियाई बाजारों से मिले खराब संकेतों के चलते दबाव में दलाल सी, लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी। सलमान के विरोधियों को पिता सलीम खान का जवाब, कहा बॉलीवुड ने कई खिलाड़ियों को गुमनामी में जाने से बचाया। सलमान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाने का मिल्खा सिंह और योगेश्वर दत्त ने किया था विरोध। क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर को भी सलमान को गुडविल एम्बेसडर बनाना गुजरा नागवार, बोले खेलों को नहीं चाहिए पब्लिसिटी, अभिनव बिंद्रा या कोई खिलाड़ी रहता बेहतर। सलमान के पक्ष में उतरे अभिनेता और सांसद परेश रावल, बोले सेलिब्रिटी के होने से बढ़ती है जागरूकता, अमिताभ भी तो हैं पोलियो कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर। इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में नजर आएंगी कैटरीना कैफ, फिल्म कमिटमेंट की वजह से ठुकराना पड़ा जान का निर्णय। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत, ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहाँ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा।